नमस्कार, आज हम लोग बीएससी के ब्लॉक टू सेल बायोलॉजी, जिसमें सेल साइकिल पार्ट्स को स्टडी करेंगे। और आज इसको टॉपिक में हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बताया कि इस यूनिट 5 में सेल साइकिल के अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बारे में भी डिस्कस करना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर और फंक्शन, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो बारे बात करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल साइकिल, सेल की अपनी एक साइकिल होती है जिसमें कि वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करता है इन साइक्लिक वे, और उस पूरे एपिसोड को या इवेंट्स को सेल साइकिल कहते हैं। इसमें इंक्लूड करता है G0 फेज, जो कि इंटरफेज है या नॉर्मल फेज है, जहाँ पे कि सेल रेस्टिंग फेज में रहता है। उसके बाद जैसे ही वो डिवीजन के लिए मूव करेगा तो सेल को सिग्नल्स मिलेंगे और वो अपने को प्रिपेयर करेगा ग्रोथ फेज में, और वो जीवन के लिए स्टार्ट होगा, मीन्स कि स्टार्टिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जैसे वो जीवन में आएगा तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस, जो इसके इमीडिएट बाद वाला फेज है, उसके लिए वो सारी मशीनरीज को इक्विप करेगा, तैयार करेगा। और जैसे जीवन फेज ओवर होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन फेज या एस फेज में मूव करेगा। यहाँ डीएनए अपने को रेप्लिकेट करेगा और अपना अमाउंट डबल करेगा। जैसे डीएनए फेज रेप्लिकेशन का ओवर होता है, नाउ सेल विल मूव टू अनदर फेज, G2 फेज। G2 फेज में फिर से वो प्रिपरेशन करेगा नेक्स्ट साइकिल, जो माइटोटिक फेज है या रियल डिवीजन का फेज है, उसके लिए कि क्या वाकई सेल तैयार है। तो इसलिए यहाँ पे दो चेक पॉइंट्स मिलते हैं, एक G1 एस ट्रांजिशन और एक G2 टू M ट्रांजिशन। ये चेक पॉइंट्स इसलिए होते हैं कि अगर सेल अपने को रेप्लिकेट करता है या डिवाइड करता है तो वो ऑर्गन के लिए, टिश्यू के लिए किसी तरह का लोड ना हो जाए, तो वो पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट करता है बाय दीज टू चेक पॉइंट्स। अगर ये चेक पॉइंट्स पे वो पास ऑन हो जाता है तो G2 फेज के बाद सेल जो है वो माइटोटिक फेज के लिए मूव करेगा। जो माइटोटिक फेज है या M फेज है, ये 4 मेन पार्ट्स में, या यू कहिए कि 5 डिफरेंट फेजेस, सब फेजेस में डिवाइड रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद एक साइटोकाइनेसिस का, जहाँ पे कि सेल अपने को दो भाग में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। अगर हम सेल को देखें कि माइटोसिस या मियोसिस क्या है, तो ये रिप्रोड्यूस करने का इनका एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, या अगर मियोटिक फेज चल रहा है, मियोटिक साइकिल है, डिवीजन है, तो वहाँ पे वो 4 सेल बनेगा। माइटोटिक साइकिल में वो डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड ही रहेगा, जबकि मियोटिक साइकिल में डिप्लॉयड से वो हैप्लॉयड सेट में कन्वर्ट होगा। तो मियोटिक साइकिल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ओवम और स्पर्म्स में देखने को मिलती है, जबकि माइटोटिक साइकिल नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दोनों इन्वॉल्व करते हैं, इनके जो पेरेंट्स होंगे जहाँ से ये डिवीजन स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी डिप्लॉयड इन नेचर। स्टेजेस जो हैं वो है इंटरफेज, जैसा हमने बताया था कि G0 फेज या रेस्टिंग फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसी तरह मेटाफेज में क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड हैं वो इक्वेटर्स पे मूव करेंगे और वहाँ से फिर पोल की तरफ अपार्ट होंगे, दैट इज एनाफेज। और फाइनली जब वो एकदम पोल पे आ जाएंगे तो वो टेलोफेज होगा और साइटोकाइनेसिस होगा, एक से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम माइटोसिस को डिफाइन किए, जस्ट टू रिमेंबर योर सेल्फ, कैसे हम बहुत इजीली याद कर लें, तो माइटोसिस मीन्स MITOSIS, MIT फॉर मेक इट टू, ठीक है, इसको याद करने के लिए। तो मेक इट टू मीन्स कि दो डिप्लॉयड ही बना रहे। उसी तरह अगर मियोसिस में अगर हम देखें इसको करने के लिए, तो मियोसिस हैज टू डी ओनली एंड ओनली विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल। तो यहाँ पे वो मियोसिस में रिजल्ट करेगा एग और स्पर्म को, ई और एस का एग और स्पर्म से आप ले लीजिए, और यहाँ पे वो हैप्लॉयड सेट बनाएंगे जैसे हमने पहले बताया था। अगर हम इसको डिवीजन पे देखें, क्रोमोसोम्स के लेवल पे देखें, तो
प्लॉयडी के हिसाब से और डीएनए के कंटेंट उसके हिसाब से हमने इसको दिखाया है कि 2N मीन्स डिप्लॉयड सेट है, और जो डीएनए कंटेंट है वो भी ऑब्वियस 2C है, सी फॉर डीएनए सी वैल्यू कंटेंट। और ये क्रोमोसोम्स के अपियरेंस और उसके लिए देखा गया, तो होमोलॉग क्रोमोसोम्स यहाँ पे है। G1S G2 जो तीन फेजेस थे इंटरफेजेस के, 2N यहाँ पे डीएनए चूंकि रेप्लिकेट कर चुका है, एस फेज यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका था, तो डीएनए कंटेंट दोगुना हो गया 4C, और क्रोमोसोम्स पे जो होमोलॉग थे वो भी 4 हो गए, दोनों आर्म्स बढ़ गए। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो टेट्राड, अगर इन दोनों को मिला लें तो टेट्राड स्ट्रक्चर्स। जैसे माइटोसिस होगा तो इसमें हाफ उनका रिडक्शन होगा, डिवीजन होगा, दो सेल अपार्ट करेंगे तो फिर से पहले जैसे केसेस आ गए। ठीक उसी तरह जीवन इसमें 4C हुआ, मियोटिक फर्स्ट साइकिल जो पहला साइकिल होगा उसमें एक एन से 2C और फिर 1N ही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट फिर से डिवाइड होगा और फिर से 1C आएगा 2C की बजाय। तो इस तरह से हैप्लॉयड सेट हमें देखने को मिलता है मियोसिस में। अगर हम इसी को दूसरे वे में रिप्रेजेंट करें माइटोसिस के तौर पे, तो 2N प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यहाँ पे डीएनए चूंकि रेप्लिकेट किया था इसलिए 4C हुआ, और फिर जैसे वो डिवाइड किया दो हाफ हाफ गए तो फिर से वो 4C से 2C में कन्वर्ट हो गया। ये हमने रियल पिक्चर्स लिए हैं जो माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी सेल को फिक्स करते हैं और इमेजेस लेते हैं तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि मेटाफेज पे ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए, और एनाफेज में नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फोल, और टेलोफेज में फाइनली पहुंच गए, और यहाँ पे 20 से साइटोकाइनेसिस होगा और 1 से 2 सेल हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम माइटोसिस को देखें कि किस तरह से डिविजन्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स बीच में जो काइनेटोकोर्स है, सेंट्रोमियर पार्ट है, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल और उससे जो एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स हैं ये क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे दोनों साइड, दोनों पोल की तरफ से पुल करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में। तो इस वजह से हर क्रोमोसोम अपना हाफ यहाँ पे बना लेगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया कि दोनों पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम माइटोसिस को देखें तो जस्ट टू अगेन रिपीट, एक सेल डिवीजन 2N, 2N 2N से दो मिला, दो सोमैटिक सेल्स मिले, और अगर मियोसिस को देखें समराइज करें हम तो 2N और फिर NNN करके हमें 4 हैप्लॉयड सेल्स मिलेंगे। अब अगर क्वेश्चन आता है जैसा पहले भी बताया कि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होगा और रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होगा, तो क्या यही एक डिफरेंसेस हैं? सो लेट्स सी, कुछ और डिफरेंसेस हमने नोट किए हैं। इन्वॉल्व वन सेल डिवीजन और मियोसिस में दो सक्सेसिव सेल डिवीजन होते हैं, मियोटिक फर्स्ट एंड मियोटिक सेकेंड। हम लोग आगे स्लाइड्स में इसको देखेंगे। इसका जो रिजल्ट है दो डॉटर सेल मिलेंगे, जबकि इसमें हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। इसमें डिप्लॉयड जो डॉटर सेल्स है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, इसमें हैप्लॉयड सेल्स मिलेंगे तो जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें जो जेनेटिकली ये आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। प्रोफेज फर्स्ट में कुछ स्टेजेस है जहाँ पे कि दो जो नॉन होमोलॉग्स हैं वो आपस में क्रॉसओवर्स करेंगे, जो फिनोमिनन है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और इस वजह से ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। सभी ऑर्गेनिजम्स में होते एक्सेप्ट वायरसेस, मियोटिक डिवीजन एनिमल प्लांट्स फंजाई जो हैं इनमें, सोमैटिक बॉडी और उसके डेवलपमेंट के लिए, जर्म सेल्स में भी होगा मैचुरेशन और उसके लिए, यहाँ पे जर्म सेल के क्रिएशंस के लिए ही केवल ये मियोटिक डिवीजन्स होते हैं। प्रोफेज बहुत शॉर्टर है, जबकि यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट सब स्टेजेस हैं जो बहुत क्रूशियल्स होते हैं और जेनेटिक वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है।
नो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर्स प्रोफेज में, जैसे हमने बताया यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस होंगे, क्रॉसिंग ओवर्स होगा, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलता है। मेटाफेज में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे अलाइन करेंगे, यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में अलाइन करेंगे और वो चेंजेस ले आएंगे। तो मियोटिक डिवीजन को हमने डिवाइड किया, इंटरफेज प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटा प्रो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, दो सेल बनेंगे। यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है, सॉरी मियोटिक सेकेंड का, ये बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरह ही है। तो प्रोफेज सेकेंड, प्रो मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, और फिर साइटोकाइनेसिस होगी। तो एक से सॉरी दो से चार सेल्स हमें डॉटर देखने को मिलेंगे, और ये माइटोटिक डिवीजन का है। ये और ये दोनों पार्ट आप देखेंगे कि बिल्कुल कॉमन है, सिमिलर है। अगर हम मियोटिक डिवीजन्स का देखें तो इंटरफेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, और उसके बाद क्रोमोसोम्स अपने को होमोलॉग क्रोमोसोम्स पेयर करेंगे और आगे के लिए मूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और नीचे वाला जो मियोटिक सेकेंड डिवीजन था, इस तरह से ये चार बनेंगे। तो यहाँ पे हमने डीएनए कंटेंट के लिए जो पहले की स्लाइड्स में दिखाया जा चुका है उसको एक बार फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट शुरू होगा, इसके फाइव डिफरेंट सब स्टेजेस है। पहला जो स्टेज है लैप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट बहुत ही क्रूशियल है, जो कि माइटोटिक साइकिल से ऑल टुगेदर डिफरेंट भी है। प्रोफेज लैप्टोटीन इसको बोलते हैं क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स को हमें देखने को मिलते हैं, जो कंडेंस थे इंटरफेज में, नाउ दे हैव बीन इलोंगेटेड, और इलोंगेशन के बाद इनके बीच साइनेप्स का फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और पैकेटिन में यहाँ पे हमें जहाँ पे वो दो नॉन सिस्टर्स जुड़ रहे हैं वहाँ पे क्रियास्मा का फॉर्मेशन होगा, और वहीं से वो एक क्रोमेटिड अपना दूसरा पार्ट दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा। तो जहाँ पे क्रियास्मा बन रहा है वही सिनेप्सिस का पॉइंट हो जाएगा, और डिप्लोटीन में वह एक कंडेंस होगा अगेन, और फिर टर्मिनलाइजेशन होगा क्रियास्मा का, और दोनों पार्ट जहाँ पे एक्सचेंज था वो इस पार्ट का दूसरे पार्ट से एक्सचेंज हो जाएगा, और वही जेनेटिक वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और डायकाइनेसिस में वो फिर से एक्सचेंज पार्ट के साथ दूसरे के साथ मूव कर चुके रहेंगे। डिप्लोटीन में के बाद जो स्टेजेस बनते हैं फाइनल, अगर हम यहाँ पे देखें तो पेयरिंग होमोलॉग क्रोमोसोम्स का है, जहाँ पे एक्सचेंज वाला पार्ट था यहाँ पे क्रियास्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो बटन लाइक रेडिस है ये क्रियास्मा है। और उसके बाद जैसे डिप्लोटीन में आएंगे ये मूवमेंट्स शुरू होगा टर्मिनलाइजेशन का, और इस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम्स है हमें देखने को मिलेंगे। ये रियल पिक्चर्स हमने लिया है प्रोफेज फर्स्ट का, जिसमें कि फाइव डिफरेंट सब स्टेजेस का, इस तरह से हमें क्रोमोसोम्स मियोटिक डिवीजन के देखने को मिलेंगे। मेटाफेज में फिर से इक्वेटर पे ये आ जाएंगे, लेकिन कंडेंस फॉर्म इनका ज़्यादा रहेगा। एनाफेज पे अब ये मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ, तो ये मूवमेंट्स यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स पोल फ्रॉम द इक्वेटर, और टेलोफेज में ये ऑलमोस्ट पोल की तरफ पहुँच चुके हैं। इंटरफेस पे देखा जाए तो यहाँ से फिर से साइटोकाइनेसिस से डिमार्केशन होगा, और दो अलग अलग हमें सेल बनने हुए दिख रहे हैं। प्रोफेज सेकेंड में जो ये दो थे, अब ये मेटाफेज पे ये अपने अपने पार्ट पे इक्वेटर्स पे मूव करेंगे। एनाफेज में फिर ये दो सेपरेट हो रहे हैं, और टेलोफेज में इन दोनों का सेपरेशन, इन दोनों का सेपरेशन, और हमें साइटोकाइनेसिस के बाद चार हैप्लॉइड सेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वही चीज़ फिर से इंडिविजुअल फेजेस के वाइज बात करें, तो मेटाफेज फर्स्ट में
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसॉल्व होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है अटैच करेंगे स्पिंडल फाइबर से और प्रिपेयर करेंगे अपोजिट्स पोल की तरफ मूव करने के लिए, मीन्स एनाफेज फर्स्ट के लिए। उसी तरह क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड्स पे मूव कर जा रहे हैं, बीच से मूव कर रहे हैं दूसरे साइड के लिए, और जैसे ही वो साइड पे मूव करेंगे वो स्टेज इनका टेलोफेज का होगा, बीच से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक उसी तरह जब वो इंटरफेस फर्स्ट में आएगा तो पूरा का पूरा माइटोटिक साइकिल की तरह वो अपने को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट के लिए। तो जितने प्रोटीन्स जितने मशीनरीज की ज़रूरत है वो उन सभी को असेंबल करेंगे और फिर प्रोफेस सेकंड के लिए मूव करेंगे। प्रोफेस सेकंड में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन थोड़ा सा रिलैक्स होगा और मेटाफेस पे ये फिर से इक्वेटर्स की तरफ आके अपने को अलाइन कर लिए, और एनाफेस में अब ये दो जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे थे ये अब ये मूव गए, तो हाफ इसका दोनों का यहाँ पे अलग अलग पोल्स पे मूव किया, ये एनाफेस सेकेंड। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और फोर डॉटर सेल्स हमें मिलेंगे जिनके कि डीएनए कंटेंट भी हाफ है और हैप्लॉइड सेट भी है। तो इस तरह से फोर जो डॉटर सेल्स हैं वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस पूरे पार्ट को समराइज करें फिर से, तो मियोटिक डिवीजन जैसा हमने बताया कि 2n डिप्लॉयड से शुरू होगा, प्रोफेस मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टेलोफेस और सेल डिवीजन होगा, उसी तरह फिर मेटाफेस सेकेंड आएगा और एनाफेस पे के बाद टेलोफेस पे ये पूरा डिवाइड करेंगे। डिप्लॉयड सेल से शुरू किए थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ जहाँ पे कि जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा था, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की तरफ बन रहे और जो हैप्लॉयड होमोलॉग ये क्रोमेटिड्स थे वो फिर फाइनली हैप्लॉयड सेल्स बना रहे हैं। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन का जो यूज है वो हैप्लॉयड सेल्स क्रिएट करने के लिए बेसिकली, पर्टिकुलरली अगर हम फीमेल्स के केस में देखें कि मियोसिस कहाँ पे जाके अरेस्ट होता है और कैसे मूव करता है, तो ह्यूमन में बर्थ के समय डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेस फर्स्ट का जो है वहाँ पे साइकिल अपने को अरेस्ट करके रखता है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स स्ट्रोजन वगैरह वो उसमें क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आगे के प्रोसेस को स्टार्ट कर। तो जब तक सेल सिग्नल नहीं मिलेगा अगला डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा। तो प्यूबर्टी से पहले तक ये डिप्लोटीन जो प्रोफेस फर्स्ट है वहाँ पे ये अरेस्ट रहेगा मियोटिक साइकिल्स। जैसे ही प्यूबर्टी अचीव करेंगे वहाँ पे मैचुरेशन होगा, प्रोग्रेस मेटाफेज सेकेंड तक जाएगा और रिलीज करेगा ओवरी से एग को। तो जो रिलीज करेगा एग ओवम जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाएगा और आगे का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो मेटाफेज सेकेंड पे अरेस्ट रहेगा, डिवाइड नहीं कर रहा, तो इस स्टेज तक रहता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ स्पर्म के द्वारा तो वो कंटिन्यू करेगा एनाफेज सेकेंड और फिर वो डिप्लॉयड सेट बनेगा स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से 2n हो गया और फिर वो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम फाइनल देखें जो हमारा रिजल्ट्स है, माइटोटिक में दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल बन रहे हैं फ्रॉम वन डिप्लॉयड पैरेंट सेल्स। उसी तरह मियोसिस में फोर जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉयड सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम वन डिप्लॉयड पैरेंट सेल्स। तो ये मेन पॉइंट्स है जो माइटोसिस को मियोटिक डिवीजन से डिस्टिंग्विश करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोटिक एंड मियोसिस साइकिल। इस पार्ट में अगर हम आप लोगों को असाइनमेंट्स या क्वेश्चंस के लिए बात करें तो बेसिस है सभी तरह के डिविजन्स, मैचुरेशंस, ग्रोथ सभी फेजेस के लिए, पर्टिकुलरली जो माइटोटिक साइकिल है
इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जो स्टूडेंट्स आगे या किसी तरह का हम अनकंट्रोल ग्रोथ वगैरह देख रहे हैं, कैंसर्स के फॉर्मेशंस देख रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे इससे सेल के जो चेक पॉइंट्स हैं या डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उनसे, या जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं। तो अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है दैट विल मेक द ट्यूमर, और बाद में अगर उसमें फिर से कोई चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं या किसी तरह का सेल सिग्नलिंग में इश्यूज आते हैं तो दैट विल लीड टू कैंसर्स। क्रोमोसोम्स जो डिवीजन हो रहे हैं, अगर ये डिवीजन्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, एनुप्लॉयडी हमें देखने को मिल रही है या अनइक्वल डिवीजन्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे सिंड्रोम्स जैसे हमने देखा डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम्स है या क्लाइनफेल्टर्स है किसी भी तरह का, तो ये अनइक्वल डिवीजन्स भी इन्हीं माइटोटिक साइकिल्स में हम इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग वर्कआउट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस या किसी तरह का होता है, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन था, यू कैन राइट एंड आई लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।